तुम लोग को देसी ठग लाइफ का मेरा सीरीज याद है क्या? पोस्ट्रीज करके एक पेज मैंने चालू किया था तकरीबन 7-8 साल पहले, एंड उसमें मैं नाना पाटेकर के क्लिप्स यूज करता था। बेसिकली मैं बॉलीवुड के पहले क्लिप्स यूज करता था जहां पर बहुत ही अच्छा कमबैक किसी ने मारा हो, एंड देन आई टू पुट जस्ट देसी ठग लाइफ और स्नूप डॉग के गाने, वो सब करता था मैं पहले। आई थिंक नाना पाटेकर को इंटरनेट फेम जो है सॉर्ट ऑफ हल्का सा एक थोड़ा सा पोर्शन जो है मेरी वजह से आया था, बिकॉज इवेंचुअली देसी ठग लाइफ वॉज सिनोनिमस विद नाना पाटेकर, आई कॉन्स्टेंटली यूज इट। बाद में कॉपीराइट का इश्यूज आया तो मैंने उतना बनाना, मतलब वो पेज ही मैंने थोड़ा सा लो कर दिया। मेरे को बस याद आया कि नाना पाटेकर के गाने ही कितने हैं। लास्ट टाइम जब मैंने गोविंदा के गाने पर रिएक्ट किया था बेकरार, जिस जो अभी तक कॉपीराइट केस में अटका हुआ है, होपफुली होपफुली आ जाएगा वो, तो मेरे दिमाग में आया कि नाना पाटेकर के गाने कितने ही हैं। एंड आई वाज लाइक भाई साहब, उसका लव रैप तो डेफिनेशन ऑफ फन, रैंडमनेस एंड एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर इज लाइक पावर पफ गर्ल्स का गाना है वो। प्रोफेसर ने क्या मिक्स किया, क्या मिक्स किया, क्या मिक्स किया और धमाल में गाना बन गया, वैसे ये गाना है। तो चालू करते अपन, पहले लोगो तो चलाओ भाई। हेलो बड़ो लोग, क्या हाल चाल, मैं रोहित भारती और आज हम रिएक्ट करेंगे टू लव रैप फ्रॉम क्रांतिवीर। अल्टीमेट ना, कौन है जो यहाँ से ओपन करता है? अपन लोग ऐसा करते थे, नाना यहाँ से करता है, नाना तो नाना है भाई, यूजली अपन तो करते ही नहीं थे। अगर तुम बाहर या रेस्टोरेंट में तो तुमको ओपन करके दिया जाता था। डांस फ्लोर पे म्यूजिक चेंज देख रहे हो, इट स्टार्ट्स विद थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टाइल लव रैप एंड देन ढिंग चिक 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 ढिंग चिक चिक चिक, धवाल धवाल एक नंबर, जनता ने क्या ही पहना। अरे रहमान साहब आप कौन कौन है, संजू बाबा है, ये देखो फिर से डिफरेंस देखो, फुल सिंथेसाइजर वगैरह, ए ढोलक टिक टक टिक टिक टक टिक, अल्टीमेट। क्या ये पीपनी आ गई कहीं से भाई, इंस्ट्रूमेंट क्या, आई एम अज्यूमिंग ये कीबोर्ड पर ही बजा, इंस्ट्रूमेंट पर क्या ही इंस्ट्रूमेंट है। और क्लब का डिस्क्रिप्शन देख लो आप, क्लब का डिस्क्रिप्शन, आई रियली वुड वांट टू विजिट अ क्लब जहां पे लोग ऐसे एनक्लोजर्स में बैठे हों पीछे, और उनके पीछे ये सब चीजें, जिसको जो पहनना है पहनो, हम लोग को जहां मन करेगा वहां लाइट वहां झालर डाल देंगे। दिस इज सच अ लवली सेट। ये पीछे यहां पर नोटिस करो, ये उड़ रहे हैं, ये ड्रमर यहां पर बैठा और यहाँ चार लोग नाच रहे हैं, ये तो भाई सुपर। इसका भी ना ममता कुलकर्णी का अल्टीमेट, इसने जो भी पहना है बहुत ही धमाल पहना, उसका टॉप नजर ही नहीं आ रहा है या फिर ज्वेलरी ही टॉप है, क्या बात है, सुपर यार। वो 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 अरे वो क्या, माइकल जैक्सन और गणेश आचार्य का रिमिक्स। अरे ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है लॉन्डो में यार आजकल, ये देखो ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लॉन्डो में, कि जहां पर हम अपना पेट दिखा पाए यार। लड़की लोग क्रॉप टॉप पहनते हैं, हमको भी क्रॉप टॉप पहनना है, क्यों नहीं पहन सकते हम? क्या ब्रो, जो भी हो आप धमाल हो आप यार, सैल्यूट है आपको। दिस इज द मोस्ट रैंडम थिंग्स दैट आई हैव एवर सीन इन अ सॉन्ग। बिंदु इस पूरे मूवी में कहीं नहीं है, सिर्फ गाने में है फॉर दिस 3 मिनट्स, और वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया, मैं इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया हूं। तुमको पता है तो प्लीज कॉमेंट करना, पर अभी आगे देखते हैं। जिन्होंने नहीं देखा, आई एम श्योर अगर तुम रिएक्शन देख रहे हो तो तुमने ओरिजिनल गाना देखा ही है। आई रियली होप कभी जिंदगी मेरे साथ ऐसा हो, मैं किसी क्लब में बैठ के थम्स अप पी रहा हूँ, कोई लड़की वहां से मुझे देखे और बोले वाओ, बस मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी वाइफ हो, मेरी कोई भी दोस्त हो, बस ये मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक बार हो। पीछे जो बंदा है उसका रिएक्शन देखना, नाना के पीछे नाना जब बोलता है, सो रैंडम बट सो नाइस, जब नाना से धक धक बोलता है। बल्ले 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 बल्ले, ओए कुड़िये
पंजाबी डालना है तो बल्ले बल्ले कुड़िए सोड़िए, दिस रिमाइंड मी ऑफ टीवीएफ का वो स्केच याद है सर। ये मेरी लाइनें तो सारी सर हिंदी में है सर। कोई नहीं तोड़ा, तुसी इत्थे उत्थे कहीं जोड़ देना। तुसी चाहे इत्थे गिरा दे उत्थे नहीं तोड़ा। पता है टोकन होता ना, टोकन पंजाबी है तो फिर ओ मैं क्या बोल रहा सी बस भाई बल्ले 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 उस कुड़िए। इट्स लाइक सिंधी या पारसी दिखाना है तो फिर अरे ठीक है तुमको बोला ना मैंने ये करने का नहीं। एंड अगर गोवन दिखाना है या कैथलिक या क्रिश्चियन दिखाना है तो फिर हम तुमको बोला था ये नहीं करने का, तुम काहे को ये हमारा बात नहीं मानता है, संडे को चलो हमारे साथ चर्च। हैदराबादी दिखाना है तो अमा अमा क्या बात करता तुम्हें, अमा 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 हर चीज में। अपन स्टीरियोटाइप का तो डेफिनेशन बॉलीवुड में क्या ही मिल जाता है अपने को। वो पीछे एक बंदे ने क्या पहना था यार, आई रियली वॉन्ट टू नो। पूछ बेकर राजी, पूछ मेरा। ये इसने क्या पहना है इस बंदे ने? ये पीछे बंदा देख रहे हो, ये उसने मतलब शर्ट के सारे बटन्स खोले हैं और अंदर टी शर्ट पहनी है और वो शर्ट को उसने टक इन किया हुआ है। दिस इज सच अ यूनिक स्टाइल राइट, हाउ अमेजिंग। ओहो हेलो हेलो हेलो, ऐसा डांस करोगे? नहीं। This is the definition of swag. लड़की को बिना देखे मेरे साथ डांस करोगे? नहीं, देखना ही नहीं है, लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, जिंदगी बराबर स्ट्रेट जा रही है, मेरे को नहीं मांगता है लफड़ा मेरे भाई। जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। So wait, मतलब इन द सेंस यही मेरा सवाल है कि इज शी अ हिप्नोथेरेपिस्ट और वॉट इज इज सो रैंडम इन द सॉन्ग, देर इज नो हेड और टेल टू इट। विश्वामित्र की तपस्या कैसे मेनका ने भंग की थी ना, मेनका ही थी ना जो भी अप्सरा थी जिसने भंग की थी। दिस इज लाइक आई थिंक कंपैरिजन है या क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, बट मेरे को वैसा वाइब आ रहा है। ये बम वाला सिचुएशन मैंने तुमको एक गाने में भी बताया था इसके पहले वाले, पता नहीं किसमें तो रिएक्ट किया था मैंने, जिसमें इट वाज सो नॉर्मल टू जस्ट हाँ ये खबर छपा दो अक्षय कुमार हिटिंग उर्मिला, एंड ऑब्वियसली क्या कहना मैं चंद्रचूर सिंह हिटिंग प्रीति, वैसे यहाँ पर नाना हिटिंग बिंदु। आई डोंट इवन नो व्हेदर इज हिटिंग, सिर्फ एक्ट कर रहा है। ये क्या स्टेप है यार, ये क्या स्टेप है ये फिर भी ठीक है। सो मच फन। नोटिस इन द एंटायर सॉन्ग देर आर सो मेनी चेंजेस इन द सॉन्ग। तुम सिर्फ ऑडियो पर ही ध्यान दो, वीडियो तो छोड़ दो, वीडियो में तो बहुत सारी चीजें हो रही है पर ऑडियो में ही कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये मेरा आजकल के म्यूजिक के साथ प्रॉब्लम है कि इतना कोई एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं जहां पर तुम एक ही एक ही धुन, एक ही बेसलाइन, एक ही चीज करते जा रहे हो। इसमें गाने का नाम लव रैप है लेकिन मराठी आ गया, पंजाबी आ गया, इंग्लिश रैप आ गया, एंड ऑब्वियसली योर कन्वेंशनल बॉलीवुड आ गया। इतने टाइम बाद मैंने ये गाना देखा, मैं सच में नॉस्टैल्जिया में रहने वाला आदमी हूँ एंड आई डोंट माइंड रहे उधर उस नॉस्टैल्जिया वाले लैंड में रहते हुए। मैंने साउथ अफ्रीकन करेंसी बोल दी इसके पहले, पर एनी आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू शेयर दिस फीलिंग विद यू गाइस। एंड तुम लोग भी जब कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपन कुछ अच्छा खासा रिलेट कर पाते हैं। सो दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस, एंड आई होप आई एम एबल टू कंटिन्यू दिस। यू गाइस वांट मी टू रिएक्ट ऑन एनी अदर वीडियो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे लिंक या गाने का नाम या फिल्म का नाम या सीन कुछ भी हो मुझे डीएम करो। अगर अच्छा लगा तो बनाऊंगा, अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली बनाऊंगा। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड व्हाइल यू आर सब्सक्राइबिंग प्रेस द घंटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगली बार फिर मिलेंगे और चिलेंगे, है ना, धमाल।